नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के इस अंक में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा सेठ किरोड़ीमल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में लगाया गया साइकिल मेला, छात्राएं व परिजन पहुंचे साइकिल खरीदने। हरियाणा के सुप्रसिद्ध कवि पंडित लक्ष्मी चंद की मनाई गई जयंती धूमधाम से, अश्विनी शर्मा ने दी अपनी प्रस्तुतियां। छह मार्च को हजारों पीडब्ल्यूडी कर्मचारी प्रदर्शन कर उपायुक्त को देंगे ज्ञापन। सड़क हादसे में एक युवक की मौत, एक अन्य घायल को भेजा गया पीजीआई रोहतक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने फूंका सरकार का पुतला, अपनी मांगों के समर्थन में की नारेबाजी। घर में फांसी का फंदा लगाकर की अपनी जीवन लीला समाप्त, मृतक के भाई ने कहा शराब का था आदि मृतक। गांव हरिपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जागरूकता रैली का आयोजन करते हुए बीके प्रेम बहन ने कहा समाज में चिरकाल से ही पुरुषों का रहा वर्चस्व, अगर नारी समाज को समय पर इन क्षेत्रों में अधिकार मिला होता तो निस्संदेह प्रगति के साथ साथ न्याय नीति धर्म और सुव्यवस्था का नजारा अलग ही होता। भिवानी जिले के गांव आसलवास दुबिया के राजकीय स्कूल में प्रथम वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर उपमंडल अधिकारी नागरिक सतीश कुमार मुख्य अतिथि रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया द्वारा की गई। इनेलो के प्रदेश सचिव व 7 मार्च के दिल्ली विरोध प्रदर्शन के भिवानी प्रभारी बलदेव गंगस ने शहर के वार्ड नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 सहित विभिन्न वार्डों का दौरा किया और कहा कि इनेलो एसवाईएल का पानी ला कर रही। मार्च 2018 को दादरी गेट स्थित वाल्मीकि बस्ती के गणमान्य लोगों द्वारा डोज बॉल खेल में विजेता खिलाड़ी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। भिवानी के तिगराना गांव में जन्मी लड़की अप्सरा वैद्य ने हाल ही में नेपाल में हुई इंटरनेशनल डोज बॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। भिवानी पहुंचने पर गणमान्य लोगों द्वारा उसका किया गया भव्य स्वागत। और खबरें विस्तार से। स्थानीय सेठ किरोड़ीमल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के लिए साइकिल मेला लगवाया गया। गौरतलब है कि सरकार द्वारा एससी बीसी बीपीएल एवं अन्य जरूरतमंद छात्र छात्राओं के लिए बच्चों के खाते में 2700 व 2900 रुपये भेजे जाते हैं, जिसकी सुविधा के लिए यह मेला लगाया गया ताकि बच्चे डिफरेंस पे करके अपनी मनपसंद की साइकिल खरीद सकें, लेकिन यहाँ अभिभावक नाराजगी जताते हुए नजर आए। हरियाणा सरकार द्वारा एससी बीसी बीपीएल और अन्य जरूरतमंद छात्रों को विद्यालय आने जाने के लिए साइकिल देने का प्रावधान है। वहीं इसके लिए बच्चों को नगद रुपए देने का प्रावधान भी किया गया ताकि बच्चे अपनी मन पसंद की साइकिल्स अपने परिजनों के साथ ले सकें। इस कार्यक्रम के तहत सेठ किरोड़ीमल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में रविवार को साइकिल मेला लगाया गया, लेकिन छात्रों व अभिभावकों की यह शिकायत रही कि सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है। उनके खाते में तो केवल 2700 रुपये और 2900 रुपये भेजे गए हैं, जबकि साइकिल्स मेले में 3600 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की बेची जा रही हैं, जिन्हें खरीदना उनके बस की बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बच्चे अपनी चॉइस से साइकिल खरीदकर सरकार द्वारा भेजे गए रेट्स के अनुसार अपने खाते से पैसे निकलवा कर डिफरेंस के साथ अपनी मन पसंद की साइकिल खरीद सकते हैं। ये महंगी महंगी प्रदर्शनी लगा रखी, बोला चॉइस कर लो, उसके बाद में पेमेंट कर दूंगा ऊपर वाली। 400 रुपये दिहाड़ी गई, 400 रुपये किराया लग गया जी, गाड़ी करके ले आनी पड़ी,
पाँच दस बच्चे खुंडे और बच्चा 2700 रुपये गवर्नमेंट ने दे दिया एक साइकिल का, आज साइकिल मिलेंगे हमें, लेकिन साइकिल इधर है ही नहीं। इतना तो 5000 रुपये की साइकिल है, 10000 रुपये की साइकिल है, लेकिन हमने साइकिल दिखा 2800 रुपये की, हम तो वही साइकिल लेंगे। गरीब आदमी है, 5000 साइकिल कौन लेगा यहाँ पर। 14000 साइकिल है, 10000 की हमारे पास, लेकिन 2900-3000 साइकिल हमारे पास है ही नहीं, 2900-3000 साइकिल है। पूरा काम किया सरकार ने, तो 500 रुपये मजदूर है लेता है, आज उसको टेम्पू करके लिया है, बोला था साइकिल मिलेंगे यहाँ पर। अंजलि किस लिए यहाँ पे आई भाई? सर हम यहाँ पे सरकार ने कहा था कि हमें 2900 और 2700 रुपए की साइकिल मिलेंगे और हम नहीं लेने आए थे। यहाँ पे तो सभी 5000 और 6000 से ऊपर की साइकिलें हैं और बोल रहे हैं कि बाद में आपके खाते में रुपए आएंगे और अब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। प्रदर्शनी के अंदर तो 5000 और 6000 रुपए की साइकिलें हैं। हमारे जो SC लड़के लड़कियाँ वो अपनी मनपसंद की साइकिल वगैरह खरीद ले और गवर्नमेंट ने जो रेट दे रखे हैं वो रेट गवर्नमेंट दे देगी, बाकी का डिफरेंस है उसके माँ बाप दे सकते हैं या उस व्यक्ति बच्चे वो साइकिल खरीद सकते हैं। बच्चे अपने च्वाइस की साइकिल खरीद ले। पहले ये था कि गवर्नमेंट ही साइकिल डायरेक्ट रेट पर खरीद कर स्कूलों में भेजी जाती थी, वो बच्चों की इच्छा के अनुसार नहीं होती थी और बच्चे उसका कम ही यूज करते थे मनवा। तो ये डिफरेंट कलर की है, अच्छी क्वालिटी की साइकिलें हैं, तो बच्चे अपनी मनपसंद की चूज करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रयोग भी करेंगे। तो इस उद्देश्य के लिए गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि बच्चे हैं अपनी साइकिल है वो खरीदे। इसके लिए आज 11वीं क्लास के बच्चे आए हैं, कल हमारे 6ठी क्लास के आएंगे और परसों 9वीं क्लास के बच्चों के लिए मेला रहेगा। और इसमें तकरीबन हमारे 3100 के आसपास बच्चे हैं वो लाभान्वित होंगे, बेनिफिट होगा इनको। 4 दिन पहले जैसे कि शिक्षा विभाग की तरफ से हमारे पास सब साइकिल दुकान वालों के पास लेटर आए थे कि आप सभी जो गवर्नमेंट स्कूल के ऐसे स्टूडेंट्स हैं उन सभी को गवर्नमेंट अनुदान के तौर पर और गवर्नमेंट अपने खर्चे पर साइकिल्स उनको प्रोवाइड करवाएगी। उसी के लिए हमारे पास आदेश थे कि आप अपने अपने स्टार लगाएं और ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर डिस्प्ले में अलग अलग मॉडल्स की साइकिल दिखाएं और बच्चे यहाँ पसंद करेंगे और यहाँ से लेंगे। नहीं जी, साइकिल सरकार ने हमको ऐसा बोला था कि बच्चा से 10000 की साइकिल लेना चाहो 10000 की भी प्रोवाइड करवाएंगे। बच्चे की इच्छा है, सरकार जो पैसा देगी वो देगी। उसके अलावा हमने सिंपल साइकिल से लेके 10000 तक की जितनी भी साइकिल है 6000 6500 सारे मॉडल प्रोवाइड करवा रखे हैं। जो भी बच्चे को पसंद हो वो दें, सरकार जो खर्चा देंगे उसके बाद का बच्चे को खुद वहन करना। हरियाणा के मशहूर कवि पंडित लक्ष्मीचंद की जयंती नगर के मध्य स्थित एक धर्मशाला में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में समाज सेवी किशन कौशिक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं पालुवास के मशहूर रागनी गायक अश्विनी शर्मा ने पंडित लक्ष्मीचंद की रागनियों से कार्यक्रम में शमा बांधे रखा व आज के वातावरण का चरित्र चित्रण किया। हरियाणा के मशहूर कवि पंडित लक्ष्मीचंद की नगर की एक धर्मशाला में जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किशन कौशिक रहे। उन्होंने कहा कि हम यह जयंती मना रहे हैं जिससे हरियाणा के उच्च कोटि के कवि पंडित लक्ष्मीचंद की रागनियों के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि आज जो कुछ भी घटित हो रहा है वह वर्षों पहले पंडित लक्ष्मीचंद ने अपनी रागनियों में लिख दिया था। उनकी कही हुई बातें आज चरितार्थ हो रही हैं। पंडित लक्ष्मीचंद का हरियाणा में कोई मुकाबला नहीं है, पूरे देश में उन्होंने हरियाणा की अलग पहचान बनाई जिससे देश में हरियाणा को सम्मान और वह अलग पहचान मिली। उनकी रागनियों में वर्षों पहले समाज की खींची गई तस्वीर अब स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रही है। Oh,
किया गया है, जो कि विश्व के महान कवि रहे हैं, सोनीपत जाटी गांव के रहने वाले थे, आज उनको सारा देश याद करता है। उसके उपलक्ष्य में आज मैंने 10वीं बार, ये हर साल करता हूँ, 10वीं बार आज मैंने उनको याद किया है। यहाँ पर पिछला बाजार रामदत्त की धर्मशाला में हमने प्रोग्राम रखा था, पंडित जी को की बातों को सुन के अभी हमें याद आता है कि उन्होंने जो आज से 100 साल पहले जो बातें कही थी वो जो आज लागू होती जा रही है, उनके उनको बातों को दोहराते हुए हमने उनको याद कर दिया हमारे साथ।